यार आई थिंक दैट हमारा एक्सपीरियंस आज आपको देखने को मिल ही गया होगा. बहुत फन एक्सपीरियंस रहा. बहुत बहुत फन किया है, तो वही आज दिख रहा था कि हम लोगों ने वहाँ पे कितना फन किया. तो याद आ गई थी वो पुरानी यादें, और जो अभी शूट भी बाकी भी शूट करने वाले हैं, तो फन बाकी है अभी. बहुत मजा आएंगे. तो थोड़ा आपके रोल के बारे में थोड़ा बताएंगे, थोड़ा जो है. यार हम ज़्यादा नहीं बता सकते, बट हाँ थोड़ी थोड़ा हिंट दे सकते हैं. लड़की है, गर्ल नेक्स्ट डोर है, है गर्ल नेक्स्ट डोर, लड़का बॉय नेक्स्ट डोर है, लड़की गर्ल नेक्स्ट डोर से थोड़ी ऊपर है, जो कि मतलब हर लड़का चाहेगा वो. यार काश मेरी बताना था क्या इतना. तूने अभी तूने ओके अभी इतना तो ऑब्वियस है. ओके ओके इतना ठीक है. हां नीतीश जी से बात किया तो उन्होंने बोला कि रोमकॉम टाइप के जॉनर की मूवी है. इतना बोला उन्होंने रोमकॉम है. ये रोमकॉम है, रोमकॉम है, रोमकॉम है. तो कितना एंजॉय किया क्योंकि मनाली में शूट हुआ है, तो कैसा था? आपको नीतीश सर से पूछना चाहिए कि मैंने उनके ईगो को हर्ट किया ये बोल बोल के कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम शूट कर रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है. और वो बोल रहे थे कि यहाँ पे लाखों रुपए खर्च कर दिए आशा. हाँ, मैंने और तुम्हें शूट ही लग रहा है. हाँ, उनके ईगो पे आती मैं डायरेक्टर लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ. बट एक्चुअली लग क्यों नहीं रहा था वो, बिकॉज हम लोग बहुत ही टीम बहुत अच्छी थी. नीतीश सर बहुत ही चिल्ड आउट है, हमारे डीओपी हैं, जो पूरी टीम थी, और आशा बहुत ही स्वीट लड़की है, तो बहुत मज़ा आ रहा था शूट करते हुए. सब लोग एक फैमिली ऐसा था वहाँ पे, और तो इसलिए लग ही नहीं रहा था कि शूट कर रहे हैं. एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि वेकेशन पे आए हैं और वेकेशन में ये कुछ मूवमेंट्स कैप्चर कर रहे हैं. सो हाउ वाज योर मनाली ट्रिप? अरे बहुत, इट वाज सो गुड. ओके, वेरी नाइस. आई मिस दैट. ओके, आई वांट टू गो टू मनाली आफ्टर दिस वेब सीरीज अगेन. यू लाइक टू शेयर? बहुत सारी है, बहुत सारी मेमोरीज हैं, बहुत मेमोरीज हैं, जैसे ठंडे ठंडे पानी की मेमोरीज हैं. हम एक बार बच्चों की तरह बर्फ में खेले थे और वो शॉर्ट था सर, मतलब जाओ जो मजे करने करो. तो हम लोग -8 डिग्री में, -8 में, और -8 था उस दिन वहाँ पे. यस, वहाँ पे -8 था और सूरज सन नहीं था उस दिन. सन बिल्कुल मतलब नहीं था, एज इन सुबह के टाइम पे 9-10 बजे तक सन नहीं आया था वहाँ पे. हाँ करेक्ट. इतनी ठंड लग रही थी, बहुत बहुत, मतलब हाथ है ना नम हो चुके थे, जूतों के अंदर स्नो घुस चुकी थी, पैर क्या बोलूं. तुम तो फिर भी यू आर वेयरिंग ओवरकोट, आई वाज वेयरिंग जस्ट अ शर्ट, रिमेंबर? आशा ने मेरी जान बताई एक मेमोरेबल. मेरे हाथ जब अकड़ गए थे तो आशा ने अपनी दिलेरी दिखाते हुए, खतरों के खिलाड़ी की दिलेरी दिखाते हुए, इसने अपने ग्लव्स निकाल के मेरे को दिए, तब जाके मैं बचा मैं. हाँ, सिर्फ उसी के चक्कर में इसने मुझे बचाया, वरना मैं आज यहाँ खड़ा नहीं होता, आपको इंटरव्यू दे नहीं रहा होता. एक्चुअली मेरे हाथ अकड़ गए थे, मैं मर रहा था. आप दोनों बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं, आप डे ऑफ टफरी के बाद और इंडियन आइडल 2 के बाद आप बहुत टाइम बाद आ रहे हैं, तो ये वेब सीरीज में डिटेल लेके आए हो तुम, वेब सीरीज या बॉलीवुड? तो इस वेब सीरीज में ऐसा क्या था जिसकी वजह से आपने हाँ बोला, क्योंकि आप बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं? यार मुझे सच्ची बोलूँ तो मुझे तो ना बोलने का कोई वो ही नहीं, मतलब कोई रीज़न ही नहीं मिला. मनाली में शूट था, कॉन्सेप्ट इतना अच्छा था, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया था, एंड अनलाइक टीवी थोड़ा क्रिएटिव फ्रीडम भी थी इसमें करने की, मतलब जैसे होता है ना अपना टीवी में कि आज्ञाकारी बहू का या वो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट इसमें इतना कुछ था करने को, बहुत मज़े आए, एंड आई थिंक बहुत बहुत सही एक्सपीरियंस था. हाँ एक्चुअली वही, मना करने के लिए कुछ था ही नहीं. कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे थे, को आर्टिस्ट आशा थी, तो मैं सोचता था क्या करें, इसको मैं मना कर दूंगा तो मुझे जीने का बिल्कुल हक नहीं है. ओके, तो इंटरेस्टिंग था यार बहुत, तो मना करने का कुछ था ही नहीं. और मनाली में जो हम लोग शूट करके आए हैं वो बहुत फन थे वो, और उससे सबसे ज़्यादा फन तो ठीक है घूमना फिरना हो जाता है, बट जो मेरे को बहुत एक्साइट किया था वो कॉन्सेप्ट इसका, और बहुत ही क्यूट और स्वीट कॉन्सेप्ट है. बहुत क्यूट है. अच्छा मैम, हुसैन सर भी जो आपके कंटेस्टेंट एंकर थे वो भी कमबैक कर रहे हैं, तो कितना एक्साइटेड. हां हैप्पी बॉय, मैंने कल ही उसका प्रोमो देखा था. ओह दैट्स वेरी गुड. या मुझे लगा कि यार मतलब हुसैन के लिए परफेक्ट है आफ्टर 10 इयर्स. He looks so different in this, yeah, and I just love him, in this. I love him. मतलब how much I love him, I can't even explain. मतलब he's such a gentleman. I think इस दुनिया में उससे बड़ा, like हुसैन से बड़ा gentleman मैंने आज तक किसी को नहीं देखा. मतलब किसी को भी नहीं. He is such a nice person. मतलब वो पुरुष नहीं, महापुरुष. और हम क्या हैं मतलब? यार नहीं, सॉरी, कोई नहीं, हुसैन के आगे कोई नहीं है. एक आखिरी सवाल, इन सबसे टॉपिक से हटके, ये कि पीएम मोदी की गवर्नमेंट को 3 साल हो गए हैं, तो आप लोग कितने एक्साइटेड हैं या क्या एक्सपेक्टेशन और रखते हैं आप?
यार मुझे ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं है, बट फिर भी जो जैसा चल रहा है तो जितना थोड़ा बहुत पता है, आई थिंक आई एम क्वाइट हैप्पी, क्वाइट सेटिस्फाइड विद हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी. एंड आई थिंक वो जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं. इतने बड़े बड़े स्टेप ले रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती वो करने की. आई एम श्योर अगर कुछ लोगों को पसंद आ रहा है तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही है, एंड वो तो होना ही था. कोई भी पूरी तरह से कुछ नहीं होता है, तो वो जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, एंड वो आगे भी जो करेंगे बहुत सही करेंगे. आई एम तो वेरी हैप्पी. पता नहीं मेरे को भी पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट नॉर्मल जो मुझे दिखता है मुझे कि जो भी कुछ हो रहा है ओवरऑल, सो अभी लास्ट 2-3 साल में होप जो है ना, हम सबको होप है, एक सबको तो वो एक पॉजिटिव है. हाँ, कि he can make India a better country. आई डोंट नो होगा नहीं होगा वो टाइम बताएगा, बट एक पॉजिटिव होप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आई डोंट नो पहले कभी थी या नहीं थी, बट अभी है लोगों के पास. सो होप ही है सब कुछ यार, क्योंकि होप में सब पूरा निकल जाता है, और होप होगी तो आगे कुछ अच्छा हो सकता है. तो रिजल्ट बताएगा आगे कि कितना सही जा रहा है नहीं जा रहा है वो मुझे पता नहीं, लेकिन होप है वो, दैट्स अ पॉजिटिव थिंग. सो आशा, लाइक आपने अभी वेब सीरीज कर लिया, टीवी कर लिया, रियलिटी शो कर लिया, तो अभी आप बॉलीवुड में दिखेंगी? ओह, ये लाल बाल का क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा. दिला दो यार कोई फिल्म, दिला दो मुझे, मैं तो कर लूंगी. अच्छा, आपकी वो अपकमिंग प्रोजेक्ट? या मेरा एक्चुअली तफरी के बाद मेरे को कई फिल्में ऑफर हुई थी मेरे को, बट मेरे को एक्चुअली उतना एक्साइट नहीं किया मेरे को. एक दो तीन प्रोजेक्ट थे कुछ मेरे को अभी ऑफर हुए थे, बट मेरे को क्योंकि यार आई डोंट कम फ्रॉम फिल्मी बैकग्राउंड. अगर मैं एक दो और फिल्में ऐसे करूँगा जो कि यू नो थोड़ा ऐसा होगा तो आई बी आउट. फिर मेरे को देखना पड़ेगा क्या, चलो सीरियल करता हूँ, ये करता हूँ. सो आई एम ट्राइंग कि मैं थोड़ा यहीं पे रुका रहूँ मैं, और कुछ अच्छा कंटेंट करूँ मैं. तो आई एम वेटिंग, अभी बात चल रही है एक दो जगह पे मेरी, बट मैं बता नहीं सकता अभी, लेट्स सी. और उसी दौरान ये वेब सीरीज़ का आया था, तो विच वॉज़ वेरी एक्साइटिंग. तो मेरे को लगा नहीं यार ये करना चाहिए, इट इज़ लाइक अ फिल्म ओनली, आई मीन यू शूट फॉर 10-15 डेज व्हाटएवर, और कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक फिल्म है, लेकिन वो नेट पे है, क्योंकि आजकल यही हो रहा है वेब सीरीज़ में, फिल्म के लेवल पे ही है. बिकॉज क्या है कि वेब सीरीज़ के जो ऑडियंस है वो सीरियल वाली नहीं है, वो बहुएँ नहीं है, माएँ नहीं है उनकी ऑडियंस, यंगस्टर है. यंगस्टर ऑलरेडी नोज अबाउट द फिल्म, ओके, उनका जो बेंचमार्क है वो फिल्म्स का है वो. तो वेब सीरीज उसी लेवल पे है. सो दिस वाज काइंड ऑफ यू नो एक्साइटिंग प्रोजेक्ट फॉर मी. और अभी लेट्स सी, अभी मेरा रश्मि शर्मा के साथ और आनंद पंडित के साथ भी 3 फिल्म डील का है मेरा. सो उनका भी अगर कुछ, अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है, बट है कुछ, मतलब जो बता नहीं सकते, लेकिन होप है जल्दी कुछ स्टार्ट हो. थैंक यू.